नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके जीवन में तीन बड़े अनर्थ होने वाले हैं। समस्या आपके द्वार पर खड़ी है, हो सके तो हो जाइए सावधान। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको किन चीजों को लेकर सावधान रहना होगा, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको तरक्की मिलने वाली है। दोस्तों, किन किन चीज़ों से आपको फायदा होगा और किन चीज़ों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है और आपका करियर के संबंध में कैसा क्षेत्र रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा चलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे बिल्कुल भी मिस करने की गलती ना करें। इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप अपने आने वाले कल को और भी अच्छा और सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शिव शंकर, जय संकट मोचन हनुमान लिखकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करिए। तो दोस्तों, जानते हैं कि आपके जातकों के लिए ये 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। आज आप अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने में नजर आएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि अधिक बढ़ेगी, आपका वर्चस्व आसमान के ऊपर पहुंच जाएगा। दोस्तों, घर में किसी विवाह से संबंधित किसी प्रकार की योजना बन सकती है आज कोई रुकी हुई बड़ी पेमेंट मिलने से। आर्थिक समस्याएं आपकी काफी हद तक हल हो जाएंगी और दोस्तों, आपकी टेंशन भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और पूरा सहयोग आपकी परेशानियों में सहायक सिद्ध होने वाला है और आपके व्यक्तित्व तथा आत्मविश्वास की पूर्ति होने वाली है। और दोस्तों, आपके विरोधी जो लोग आपकी उन्नति से जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, वो केवल आपका मुंह देखते रह जाएंगे और हाथ मलते रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जब जीवन में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको रोकने वाले हजार लोग आते हैं। उन्हें इस बात की ज्यादा दिक्कत होती है कि आप उनसे पहले कैसे आगे निकल गए। तो ऐसे लोगों का आप डटकर सामना करिए और जलने वालों तो जलते रहेंगे, उनका काम है जलना। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे ही लोगों के कारण ईश्वर आपको और प्रसन्न करता है और आपका मान सम्मान बढ़ाता है। आप समाज में सम्मानित महसूस करने वाले हैं और दोस्तों, इसकी वजह से आप अपने कार्य को भी बेहतरीन तरीके से करने में सामर्थ्य होंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि संतान को भी कोई महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा माहौल रहने वाला है। सरकारी गतिविधियों में आपको बेहतरीन मुनाफा होने की संभावनाएं बन रही हैं। उच्च अधिकारियों के साथ में आपको संपर्क बनाए रखना होगा। संबंधियों के साथ में अकारण ही वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। निर्णय लेने में कुछ अगर परेशानी हो तो आपको घर के सदस्यों की सलाह लेनी आवश्यक रहेगी और ये आपके लिए मार्गदर्शन का भी कार्य करेगी। पैसे के लेन देन करते समय आपको कोई भूल होने की आशंकाएं बन रही है। मार्केटिंग और यात्रा संबंधित थोड़ी गतिविधियों को आपको स्थगित रखने की आवश्यकता होगी। सरकारी गतिविधियों से जुड़े बिजनेस में आज आपको अचानक फायदा हो सकता है। और दोस्तों, बता दें कि नौकरी पेशा व्यक्तियों पर बॉस या फिर उच्च अधिकारियों का दबाव रह सकता है। समय आपका उपलब्धियों हासिल करने वाला है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। समय रहते आप समय का फायदा उठाइए और आपको इसका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करने से उचित सफलता मिलती है। दूसरों के व्यक्तिगत बातों पर आपको ध्यान नहीं दे करके अपने कार्यों के प्रति थोड़ा केंद्रित रहना होगा। अनावश्यक गतिविधियों में आपका अधिक समय व्यतीत करने से समय व्यर्थ हो सकता है, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप अपने जीवन में या फिर आने वाले अगले 24 घंटे में ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। दोस्तों, आज आपके कुंडली और भाग्य काफ़ी अच्छा है और शादी करने के योग भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। जो एक चीज़ सभी रिश्तों को आपस में बांधे रखती है वो है आपका दृढ़ विश्वास। विश्वास और सच्चाई पर आधारित होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे में एक नई खबर, एक नई खुशखबरी आपको मिलने वाली है।
जो आपके जीवन के लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। दोस्तों आपका बता दें कि आपका जीवन काफी सुखमय चल रहा है, किसी भी चीज को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में सब कुशल मंगल रहेगा, ज्यादा आपको घबराना नहीं है, मेडिटेशन करते रहना है क्योंकि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि आपको ज़्यादा निवेश करने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, मार्केटिंग संबंधित क्षेत्र वालों को आज थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। आपको बता दें कि बेतहाशा खर्चा बढ़ने से इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है और आपके सुकून और नींद पर भी पड़ेगा। दूसरों की नकारात्मक गतिविधियों में रुचि बिल्कुल ना लें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि बैठे बिठाए आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। दोस्तों बच्चों समस्याओं को नज़दीकी व्यक्ति के साथ में शेयर करने से विचार विमर्श कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ में आपको थोड़ा मित्रता वाला व्यवहार करना पड़ेगा, जिससे वो अच्छे बुरे पहलू को आपकी सलाह से सोचे विचारे। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने की आदतें हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को चिंतित कर सकती हैं, तो आपका पूर्ण सहयोग मिलना बहुत आवश्यक रहेगा। आपके लिए किसी चीज़ को लेकर के दिक्कत कर सकती है। दोस्तों करियर को नई दिशा में लेकर जाने के लिए प्रयत्न शुरू कर लें। आपके आर्थिक स्रोत बना पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जीवन सुख में चलने के कारण आपको काफ़ी सारी समस्याओं का हल चुटकियों में मिल जाएगा। आपका व्यवसाय काफ़ी ऊंचाइयों पर चल रहा है, जिसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके आत्मविरोधी जो हैं वो आपकी आत्मसम्मान को थोड़ी सी ठेस पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, जो आपके सामने आपकी वाहवाही करते हैं लेकिन पीछे सिर्फ आपके बारे में बुरा भला ही बोलते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपका जीवन सुखमय बीत रहा है। आपको अपने माता पिता के साथ में समय बिताना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप काफ़ी व्यस्त हैं तो आपको थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए निकालना चाहिए, जो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दोस्तों दूसरों की अपेक्षा आप अपने विचारों को अधिक महत्वता दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। साथ ही धन के नियंत्रण संबंधित कार्य को स्थगित रखें। आज के दिन आपको बता दें कि संबंधित कार्य में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन गिने चुने दिनों में आपका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली, जय महाकाल, जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।